मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए और इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक व्यक्ति एस बिंदु से चलता है और पूरब दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाकर बिंदु टी पर रुक जाता है। बिंदु एस के संदर्भ में बिंदु टी कितनी दूर और किस दिशा में है? डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछा है, तो आंसर कमेंट करो। जिसका आंसर आ जाए भाई कमेंट कर दो जल्दी से कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एस बिंदु से चलता है पूरब दिशा में। समझ लो ये एस बिंदु है, यहां से पूरब दिशा में गया, कितना चला? 8 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाईं तरफ मुड़ जाता है। दाईं तरफ मुड़ेगा मतलब ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ये डायरेक्शन है, बना लियो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये ईस्ट की तरफ फेस, उसका दाएं हाथ नीचे की तरफ आपका आएगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा तो दाएं तरफ मुड़ेगा, कितना चल रहा है वो? 10 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद से आपसे क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ना है तो उसे ऐसे, तो यहां से मुड़ा बाएं तरफ, कितना चला? 7 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाकर बिंदु टी पर रुक जाता है। अब दाहिने मुड़ रहा है तो फिर से नीचे की तरफ आएगा और यहां बिंदु टी है, यहां रुक जाता है, कितना किलोमीटर चल के? 10 किलोमीटर चल के। और आपसे डिस्टेंस किसका पूछ रहा है? एस के संदर्भ में बिंदु टी कितनी दूर पर है और किस दिशा में है, ठीक है? एस और टी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है आपको, ये मिला दिए। राइट एंगल ट्रेंगल आपको बनाना है तो अभी इसे क्या करोगे, यहां से मिला दोगे, ठीक, ये लो ये 90 डिग्री पे हो गया। अगर ये 10 है आपका तो ये भी वाला डिस्टेंस तो 10 है, तो इसका मतलब ये भी 10 हो जाएगा, तो ये टोटल आपकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आपका ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा भैया? ये 8 है और ये कितना है? 7 है, तो कितना हो जाएगा? 8 + 7 = 15 हो जाएगा। तो ये आपका बेस जो हो गया 15 हो गया। और ये एस और टी निकालना है तो क्या लगा दोगे? पाइथागोरस चाचा को लगा दो, एस टी का स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम नाम दे दें सी यहां पे पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा? एस सी का स्क्वायर प्लस टी सी का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको यहां देख लो ये क्या है, ये 20 का है, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस, और टी सी कितना है? 8 × 7 = 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 400 और ये 225, तो ये कितना हो जाएगा? 625 एसटी का स्क्वायर, तो एसटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 625 करोगे तो ये किसका स्क्वायर होता है भैया? 25 का होता है, ठीक, तो 25 यहां से बाहर आ जाएगा आपका, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब डायरेक्शन पूछा है आपसे, डायरेक्शन क्या पूछा है कि बिंदु एस के संदर्भ में टी कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। तो एस के संदर्भ में पूछा है मतलब एस पे डायरेक्शन बना लो। एस पे जब डायरेक्शन बना लोगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा आपका? साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा। तो देख लो 25 तो हमारा यहां से आ गया, तो 25 वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दो ऑप्शन में 25 है हमारे, डायरेक्शन से पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन क्या? साउथ ईस्ट आ रहा है मतलब दक्षिण पूर्व आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो जिसका आंसर ऑप्शन बी आया वो करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, वो बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 18 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर रुक जाता है। बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु क्यू कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? सेम चीज पूछा है आपसे, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का पूछा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, पहले देख लो, उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो अगर हम देखें तो चारों डायरेक्शन क्या है आपके? अलग अलग है, तो अगर हम सिर्फ डायरेक्शन निकालें तो डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, देख लेते हैं। अगर सिंपल सा होगा तो डिस्टेंस भी पता चल जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है आपसे, वो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है,
ये है पी आपका, यहां से चलना स्टार्ट किया, दक्षिण में कितना गया 3 किलोमीटर गया, ये मैंने बना दिया 3 किलोमीटर। उसके बाद वो बाईं तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब ये बाईं तरफ कब मिलेगा, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड मुड़ेगा, कितना चलता है बाईं तरफ 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद से फिर दाईं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं तरफ मुड़ता है, ये लो दाएं तरफ मुड़ा, नीचे की तरफ आएगा, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं तरफ मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, फिर दाएं तरफ मुड़ेगा तो इसका मतलब क्लॉकवाइज में मिलेगा, 18 जाएगा तो 10 तो ये हो गया, 8 और हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से क्यू पे रुक जाता है, मतलब ये जो बिंदु है ये क्यू है। बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु क्यू कितनी दूर और किस दिशा में है, पी के संदर्भ में पूछा है आपसे, ये लो मैंने इसे मिला दिया और ये मिल गया आपका, ये कितना था आपका भैया 10, तो ये कितना बचेगा 8, क्योंकि टोटल 18 है, ठीक। और ये कितना है 3 है आपका, और ये कितना है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। और ये आपका बेस कितना होगा इसका, हाइट 6 हो गया तो बेस तो यही है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, यहां पे आपका 90 डिग्री होगा। तो देखो अगर हाइट जो है आपका 6 है और बेस 8 है, ये पता करना है, तो ये क्या है 3 × 2 कर सकते हैं इसे, और ये 4 × 2 होगा, 4, 3 और 5 वाला ट्रिपलेट मिल गया ना, देखो ये 4 है ये 3 है, इसमें जितने का मल्टीप्लाई हुआ है उतने ही 4, 3, 5 है, तो यहाँ 5 वाला ट्रिपलेट होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। या आप लोग पाइथागोरस लगा लो, क्या होगा यहाँ पे, ये 8 है तो 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा √100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, या ट्रिपलेट अगर याद होगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 4, 3 है तो ये 5 ही होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 × 2, मतलब ये 10 हो जाएगा डिस्टेंस। देख लो 10 वाला क्या है, ये ऑप्शन दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऑप्शन आपके पास बचेंगे। डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है आपका, बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु क्यू कितनी दूर और किस दिशा में, इससे पूछ रहा है। यहाँ डायरेक्शन बना लो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में है, मतलब दक्षिण आपका किस में है, पश्चिम में है, तो आपका यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिया हुआ है। पी के संदर्भ में बिंदु क्यू कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ दक्षिण पूर्व जो है आपका, ये इसे हटा लो, यहाँ दक्षिण पश्चिम कर लेना, ठीक है, ये साउथ वेस्ट कर लेना, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, इसे साउथ वेस्ट कर लेना। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि पी के संदर्भ में क्यू पूछा है आपसे, तो क्या होगा साउथ वेस्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट कर देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखना, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये अलग सा है, इसका आंसर देखते हैं कौन लोग सही देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है एक्स मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, और एक्स मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक्स मीटर चलता है इसके बाद दाईं ओर मुड़कर वो एक्स मीटर चलता है, ठीक, उसकी जो डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट है एक्स मीटर, ये अंतिम 3 चरण 2 बार दोहराता है, जो लास्ट के 3 बार वो घुमा है वो 2 बार दोहराता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है एक्स मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं ओर मुड़ता है एक्स मीटर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग के बीच का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 45 वर्ग मीटर, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, ठीक। तो ये नया क्वेश्चन है, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं क्या होगा इसका। एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है एक्स मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, लो एक्स मीटर चला, कहीं मैं कोई भी डायरेक्शन ले ले रहा हूं, अभी मैंने मान लिया ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक्स मीटर आपका चला है, उसके बाद से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ेगा ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद एक्स मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक्स मीटर चलता है फिर दाएं तरफ मुड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज टर्न होगा तो ईस्ट की तरफ होगा, फिर एक्स मीटर चलेगा और फिर एक्स मीटर चलता है इसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर एक्स मीटर चलता है उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो यहां से फिर से
दाएं मुड़ेगा और एक्स मीटर चलेगा, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा बना एक्स मीटर। और अंतिम तीन चरण को दो दो बार दोहराता है, जो ये तीन चरण है ना, एक दो और तीन बार मुड़ा है, उसको दो बार दोहराता है। तो पहले एक बार दोहराएगा तो क्या होगा, उसे पहले किस टर्न, कौन सा टर्न लेना है आपको, यहां देखो बाएं मुड़ना था तो पहले बाएं मुड़ेगा, जब इधर है तो बाएं मुड़ेगा तो एक्स मीटर यहां जाएगा, पहला चरण अभी दोहरा रहा है। फिर राइट टर्न लेना था तो फिर एक्स यहां आएगा, फिर एक क्या लेना है उसको राइट ही लेना है, फिर दाएं ही मुड़ना है लास्ट वाला भी, तो कहां आएगा एक्स, फिर यहां एक्स आएगा, तो एक चरण कंप्लीट हुआ। दो बार करता है, एक बार और देख लेते हैं, यहां से फिर से क्या होगा, लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट लेगा तो क्या नीचे की तरफ आएगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो फिर एक्स होगा, फिर राइट लेगा, राइट लेगा इसका मतलब एक्स यहां आएगा, और फिर राइट लेगा ये लो, ठीक, फिर राइट ले लिया एक्स यहां आ गया, मतलब दो चरण कंप्लीट कर लिया उसने एक्सेस मीटर घूम के। उसके बाद अब यहां आ जाओ, फिर बाएं ओर मुड़ता है एक्स मीटर चलता है, अब यहां आ गया तो फिर बाएं ओर मुड़ेगा, तो बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर की तरफ फेस है नॉर्थ की तरफ, बाएं हाथ आपका इस साइड है, किधर पश्चिम की तरफ, तो एक्स मीटर चला। चलो उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता और एक्स मीटर चलता, अब यहां से दाएं मुड़ेगा एक्स मीटर चलेगा, तो यहां से दाएं मुड़ेगा एक्स मीटर चला, ठीक, ये लो यहां आके मिल गया। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, इससे मैं रफ कर देता हूं, बड़ा हो गया था थोड़ा, ऐसे कंबाइंड फिगर बनेगा, ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, कुछ ऐसा आपका बनेगा एकदम सेम ऐसे, ठीक है, ये सब एक्स एक्स मीटर पे हैं, ऐसा फिगर बनेगा जब सेम डिस्टेंस होगा, तो ये आपका फिगर बन गया। अब इसमें आपका पूछ बोल रहा है पूरे का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, जो आपका क्षेत्रफल दिया है उसका यहां दिया हुआ 45 वर्ग मीटर है इसका जो एरिया है, तो एरिया इसमें क्या क्या भैया देखो, सब एक्स एक्स है, इसे कंबाइन कर दो तो कितने स्क्वायर इसमें बन जाएंगे, सबकी साइड तो सेम ही है ना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, तो स्क्वायर बनेगा सब, तो कितने स्क्वायर है, एक दो तीन चार पांच स्क्वायर है, ठीक, तो पांच स्क्वायर की एरिया दिया हुआ है 5x² ले लें, मतलब एक एरिया इक्वल टू कितना है आपका 45, क्योंकि ये x है एक साइड, तो एक का स्क्वायर का एरिया कितना होगा x², बड़ा वाला x ले ले रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, तो x क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर हो जाएगा 9, मतलब एक साइड आ गई कितनी आपकी, ये 9, कितने हैं साइड टोटल, यहां तक, यहां से इसने शुरू किया था यहां तक पहुंचने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, टोटल 12 साइड हैं, तो 12 साइड टोटल डिस्टेंस ही आपसे पूछा था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर 9 है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, और आपसे टोटल यहां साइड कितना, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस ये कवर करेगा हर एक, तो 12 है, तो 12 यहां कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो आप आपका आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपका यह फिगर बनेगा, और इसमें टोटल कितने आपके 1 2 3 4 5 स्क्वायर बनेंगे, सभी के साइड सेम होंगे, तो इसीलिए 5x² इक्वल टू 45, x की एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो x की वैल्यू 3 होगी, तो देख लो यहां से स्टार्ट किया था यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कितने साइड उसने ट्रेवल किया, तो 12 साइड ट्रेवल किया, तो एक साइड 3 है, तो 12 36 हो जाएगा, तो 36 इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं था। चलो आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी सही क्वेश्चन है, एक देख लीजिएगा अच्छे से, इसे पढ़िएगा और आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति वृत्तकार पथ की परिधि पर एक बिंदु से केंद्र की ओर चलना शुरू करता है, परिधि के विपरीत बिंदु पर पहुंचकर बाएं मुड़ता है, फिर परिधि पर चलते हुए पूरी परिधि का 1/4 भाग तय करता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, केंद्र की ओर चलता है और परिधि के विपरीत
बिंदु पर रुकता है, इसके बाद वो दाएं मुड़ता है और वृत्तकार पथ की परिधि पर चलकर पूरी परिधि का 1/4 दूरी तय करता है। और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछना भूल गया, वो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ठीक, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आपका दिया क्या है, गिवन दे दिया है कि वृत्तकार पथ का व्यास मतलब डायमीटर जो है कितना है, 14 मीटर है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि वो इंसान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका कैसे होगा, एक सर्किल बना लो, ये लो, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, क्या बोला, एक व्यक्ति वृत्तकार पथ की परिधि पर एक बिंदु से, मान लो मैंने माना यहां एक कोई बिंदु है P मान लिया, यहां से चलना शुरू करता है और परिधि के विपरीत बिंदु पर पहुंचकर बाएं मुड़ता है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया, इसके विपरीत पर यहां पहुंचा Q मान लें, उसके बाद से वो बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में मुड़ेगा और चलना स्टार्ट कर दिया है, चलते हुए वो कितना कवर करता है, 1/4 कवर करता है। तो 1/4 अगर कवर किया तो समझ लो यहां आ गया कुछ, ठीक, 1/4 डिस्टेंस कवर किया तो इस पॉइंट पे आ गया, पी क्यू एस दे दो इसका नाम। उसके बाद से फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है, 1/2 तय करता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, केंद्र की ओर चलना शुरू करता है, मतलब फिर से बाएं मुड़ेगा इस साइड, देखो एंटी क्लॉकवाइज में बाएं ही मुड़ेगा, इधर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा और केंद्र की तरफ चलना स्टार्ट करेगा और चलते हुए यहां पे पहुंचेगा, विपरीत केंद्र पर बिंदु पर पहुंचता है, तो इस बिंदु पे पहुंच जाएगा वो, टी ले लो इसको। उसके बाद से पूछ रहा है फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा मतलब एक क्लॉकवाइज में मुड़ेगा, यहां से इस बिंदु पे है तो यहां से क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा और 1/4 फिर से ये कवर करता है, दाएं मुड़ता है पथ की परिधि पर चलकर पूरी परिधि का 1/4 दूरी तय करता है, तो फिर से 1/4 ये कवर करेगा, तो मतलब पूरा आपको जो डिस्टेंस है ये जो चला था ऐसे ये, ठीक, ये डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि जब वो पी से लेकर वापस पी पे आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना कर रहा है वो। तो उसके लिए क्या करोगे, एक तो आपका डायमीटर दिया हुआ कितना, 14 मीटर दिया हुआ, तो डिस्टेंस इसकी क्या होगी, ये एक डायमीटर पूरा चलेगा, उसके बाद से ये आपका 1/4 चलेगा, सर्किल का जो डिस्टेंस होगा उसका 1/4 चलेगा। तो सर्किल का भाई जो पैरामीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, परिधि का जो फॉर्मूला होता है, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 डायमीटर है तो 7 हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 44, ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगा टोटल सर्किल का, मगर हमें कितना चाहिए, उसका 1/4, क्योंकि ये जो कवर करता है कितना करता है, 1/4 ही करता है परिधि का, तो 1/4 मतलब आपका 11, ठीक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 11। उसके बाद ये 14 फिर और ये 11 फिर, उतना ही सेम आपका होगा, तो इसका पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो तो डायमीटर हैं P से Q और S से T, तो आपका क्या हो जाएगा, 14 + 14 + 11 और 11, यही होगा डिस्टेंस, क्योंकि ये 14, ये 14, ये 11 और ये 11, तो इसका टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 14 × 28 और 11 × 22, ठीक, तो 28 × 22 कितना, 8 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 = 5, तो टोटल डिस्टेंस आएगा 50 मीटर, तो 50 कहाँ है, ऑप्शन बी में होगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको डायमीटर दिया था, टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में जोड़ लेना, पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस उस व्यक्ति ने कितना कवर किया, तो कितना किया, ये एक डायमीटर पे गया ये, और 1/4 ये कवर किया सर्कमफ्रेंस का, तो वो सर्कमफ्रेंस 1/4 निकालो, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 44, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 11, फिर वहां से ये डायमीटर पे ही 14 चला, फिर उतना 1/4 कवर किया तो फिर से 11, उस सभी डिस्टेंस को जोड़ दो आ जाएगा कितना, 50, तो यही आपका आंसर है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे पांचवा है आपका क्वेश्चन,
वाहिद अपनी दुकान से अपनी कार में निकलता है और दक्षिण में 12 किलोमीटर जाता है, फिर वो पश्चिम में 10 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वो अपनी दाईं ओर 14 किलोमीटर, फिर अपनी बाईं ओर, यहाँ लिख लीजिएगा, फिर अपनी बाईं ओर 8 किलोमीटर, उसके बाद दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर जाता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर और किस दिशा में है? आंसर कमेंट कर दो भाई, जिसका आ जाए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दो तुरंत, उसके बाद मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वाहिद अपनी दुकान से निकल के दक्षिण दिशा में जाता है, तो डायरेक्शन तो सब लोग मस्ट है, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, भाई साहब वेस्ट ये हो गया। तो मैं बता लूं, ऊपर करता हूं थोड़ा सा, देखो निकलता है 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, यहां से निकला था 12 किलोमीटर ये समझ लो, उसके बाद पश्चिम में कितना जाता है 10 किलोमीटर जाता है, ये बना लो फटाक फटाक, इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर जाता है, यहां से दाएं तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, कितना 14 किलोमीटर, उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर जाएगा, बाईं तरफ मुड़ेगा मतलब इस साइड मुड़ेगा, ये तो दाहिना हो जाएगा 8 किलोमीटर, उसके बाद फिर से दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर आता है, तो मतलब यहां से फिर से यहां पे आएगा 14 किलोमीटर तय करके इस पोजीशन पे, अंत में बाईं ओर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर जाएगा, मतलब बाएं दाहिने मुड़ना होगा तो इस साइड, बाएं मुड़ना होगा तो इस साइड, क्योंकि आप साउथ की तरफ फेस किए हो, तो यहां से 8 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा तो यहां पहुंच जाएगा कहां पे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वहां पे पहुंचने के बाद पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां 12 दिख रहा है, यहां 10 दिख रहा है, तो क्या ट्रिपलेट वाला कोई बन रहा है क्या? ये अगर मैं कहूं 4 × 3 है, चाहे आपसे कहूं, तो ट्रिपलेट वाला आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 4 × 3 = 12 होगा, यहां 5 × 2 होगा, तो ट्रिपलेट वाला नहीं बनेगा। हम देख लेते हैं, सिंपल सा निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता है। तो ए बी का स्क्वायर हमें पता करना है, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर करोगे प्लस ए सी का स्क्वायर 12 है, तो 12 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, तो कितना हो जाएगा ये 244, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 244, मतलब अंडर रूट में 244 वाला ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा है देखो, ये भी ऑप्शन में है, ये भी है, ये नहीं होगा, ये 234 है, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, कहां से पूछा है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है डायरेक्शन, तो यहां बना लेते हैं डायरेक्शन, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, मतलब 244 दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन कौन सा होगा सही, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, आसान सा क्वेश्चन है। अमीर पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है, फिर वो उत्तर में 5 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है? दूरी और दिशा आपसे दोनों पूछा है, तो क्या होगा इसका आंसर, फटाक दे आंसर निकालो। अमीर पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व आपका ये है, कितना जा रहा है 7 किलोमीटर जा रहा है, फिर दाईं तरफ मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा 5 किलोमीटर जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा 11 किलोमीटर जाएगा, तो ये बाईं तरफ ही होगा, यहां ऐसा टर्न लेगा तो 11 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद उत्तर में 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, तो उत्तर की तरफ ऊपर में कितना जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब जितना ये गया था उतना ही ये भी जाके रुक जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे रुक जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में, स्टार्ट तो यहां से किया था, ये 7 किलोमीटर है और ये कितना है 11 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना नीचे है उतना ऊपर हो जाएगा, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा भैया 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछा है, तो यहां डायरेक्शन बना लोगे तो ये डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट, तो 18 किलोमीटर पूरब में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
आपके सामने है, सभी लोग आंसर दो इसका। बोला प्रिया अपनी मां को खोज रही थी, वो बाएं मुड़ने से पहले, देखना बाएं मुड़ने से पहले 60 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। वो अपनी मां को खोजने हेतु अपने अंकल के घर जाने हेतु, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन में घुमा रहा है, पुनः अपने बाएं मुड़ने से पहले 15 मीटर चलती है, ठीक है। अंकल का घर इस बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है, उसकी मां वहां भी नहीं थी, वहां से वो अपने उत्तर में 80 मीटर चलती है, इसके बाद एक गली में अपनी मां से मिलती है। तो प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर अपनी मां से मिलती है, डिस्टेंस आपको निकालना है। सिर्फ वर्ड में ऐसा घुमा दिया है, मतलब एकदम तोड़ मरोड़ दिया है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रिया अपनी मां को खोज रही, वो बाएं और मुड़ने से पहले 60 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो देखो ये रहा वेस्ट, तो बाएं मुड़ने से पहले पहले 60 मीटर किधर गई है, वेस्ट में गई है, उसके बाद बाएं मुड़ी है, क्योंकि बोला भी है क्वेश्चन में आपसे यही कि मुड़ने से पहले वो 60 मीटर पश्चिम में गई है। तो यहां से बाएं मुड़ेगी मतलब किस साइड डायरेक्शन में जाएगी, आपका दाहिना टर्म तो ये होगा क्लॉकवाइज में, अब बाया मतलब नीचे किया आ जाओ, ठीक है। वो अपने पश्चिम की ओर जाती है, वो अपनी मां को खोजते हेतु अपने अंकल के घर जाने हेतु, ठीक है, पुनः अपने बाएं मुड़ने से पहले 15 मीटर चलती है, मतलब अब फिर से बाएं जब मुड़ेगी उससे पहले 15, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 15 मीटर, फिर यहां से बाएं ही मुड़ेगी वो, तो जब बाएं मुड़ेगी तो अपने अंकल के घर, वही दिया कि 25 मीटर की दूरी पर है उसका अंकल का घर इस बिंदु से, तो फिर से बाएं मुड़ेगी और 25 मीटर जाएगी, तो ये तो 60 है और लंबा भी कर सकते हो इसको, तो ये 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 25 मीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, उसकी मां वहां भी नहीं मिलती है, उसके अंकल के घर, यहां अंकल का घर है उसके, ठीक है, तो वो अपने दिशा से उत्तर दिशा में 80 मीटर जाती है, उत्तर दिशा में जाती है यहां से कितना 80 मीटर, तो देख लो 15 तो ये हो जाएगा, 80 जाना है उत्तर में और ये हो जाएगा, तो 65 ये होगा और 15 ये हो जाएगा, तभी तो 80 होगा, 5, 5, 10, 6, 7, 8, 18, उसके बाद तब जाके उसकी मां उसको यहां मिलती है इस पॉइंट पे। प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर अपनी मां से मिलती है ये पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग इसका कहां से था, यहां से, ठीक है, ये पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, ठीक, और यहां से इसे मिला लें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 है, यहां से लेके यहां तक 60 है आपका, उसमें ये कितना डिस्टेंस है 25 है, यहां से यहां तक ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 में आपका पूरा था, तो ये 25 माइनस कर दोगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये यहां पर कितना बचेगा, 35 बचेगा भाई, 35 प्लस 25 करोगे तो 60 आएगा, ठीक, तो ये 35 होगा, ये 65 होगा, आपको ये निकालना है, तो लगा दो ये पॉइंट, दे दो इसका नाम, दे दो इसे नाम, दे दो ए, इसे यस है ये, और इसे बी ले लो, तो लिख लो क्या, ए एस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, यही होता है, तो ए बी क्या होगा आपका 65 है, तो 65 का स्क्वायर प्लस आपका बी एस क्या होगा, बी से एस ये वाली दूरी कितनी है 35, तो 35 का स्क्वायर। अब ये क्या स्क्वायर कैसे निकालोगे, 65 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, तो इसे आसान देखो कैसे करते हैं, ठीक है, ये 65 है तो 13 × 5 होगा ना का होल स्क्वायर, और ये 35 है तो 7 × 5 का होल स्क्वायर होगा, तो यहां दोनों में 5, 5 कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा, बचेगा तो 5 का लोगे, ये होगा क्या एस का होल एस का स्क्वायर होगा, चलो इसे ऊपर कर लेते हैं, तो एस का स्क्वायर है तो इसे एस इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही लिख सकते हो इसको, ठीक। अब 5 का स्क्वायर है इसका मतलब 5 यहां से निकल आएगा बाहर, ये लो बाहर कर दिए, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सबको याद है कितना होता है 169, और 7 का स्क्वायर 49, तो 169 और 49 जोड़ दोगे तो 9, 9, 8 आना चाहिए लास्ट में,
ठीक, 6 4 10 से कि 11 और 2, 218 मतलब 5 अंडर रूट 218, ये क्या होगा एस डिस्टेंस आपका आएगा। तो देख लो कहाँ है ऐसा डिस्टेंस दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, 5 218 दिया है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया 65 है तो इसको तोड़ लो, 13 5 65 होता है और ये 7 5 35, दोनों में 5 5 कॉमन आ गया, तो 5 का स्क्वायर कॉमन होगा तो 5 आपका यहाँ डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, 13 और 7 का स्क्वायर रटा होता है, वैसे 65 का स्क्वायर तुम निकाल नहीं पाओगे, फिर 35 का स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को सम करोगे, फिर उसका अंडर रूट लोगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो ऐसे इसको सॉर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, जिसका आंसर आ जाए इसका कमेंट कर देना, फिर दाएं ओर मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, वह व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग से आपसे पूछ रहा है, डायरेक्शन से पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा डालो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, ये लो, तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, लो दाईं ओर मुड़ा दिए, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, अब व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ठीक है, पहले किधर चला, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, ये लो, ठीक, वो व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, मतलब यहां से पूछ रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी भैया, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी है आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो और इसका आंसर कमेंट कर दो। ए बी के दक्षिण में 4 मीटर की दूरी पर है, सी बी के पूर्व में 5 मीटर की दूरी पर है, डी सी के पश्चिम में 12 मीटर की दूरी पर है, ई जो है डी के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है, सी ई के कितनी दूरी पर है और ई सी के सापेक्ष में किस दिशा में है। ठीक, पहले पूछा है सी ई के बीच की दूरी पूछा है और ई सी के सापेक्ष में, मतलब सी के रिस्पेक्ट में ई की डायरेक्शन क्या है ये आपको बताना है। तो जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दो, फिर मैं देखता हूं क्या होगा इसका आंसर। चलो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। ए जो है बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में कौन है भैया, ए है, ये लो मैंने ए बना दिया, कितने मीटर पे है, 4 मीटर की दूरी पर है। ए जो है बी के दक्षिण में है, इसीलिए बी यहां है, उसके नीचे ए है, तो ए जो है बी के दक्षिण में हो गया। उसके बाद सी बी के पूरब में है, कितना, 5 मीटर के, सी जो है बी के पूरब में है, बी के पूरब में सी है, कितना, 5 मीटर की दूरी पर, ये लो मैंने बना दिया। फिर जो डी है वो सी के पश्चिम में है, जो डी है वो सी के पश्चिम में है, तो मतलब सी का पश्चिम क्या होगा, ये डायरेक्शन बनाओगे तो इस साइड में होगा, कितनी दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है, तो 5 तो ये हो जाएगा और 7 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, ये पश्चिम में हो जाएगा। उसके बाद बोला ई जो है डी के उत्तर में 5 मीटर है, ठीक है, ई जो है डी के उत्तर में कितना है, 5 मीटर, तो डी का उत्तर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, कितना, 5 मीटर, यहां कौन होगा, ई होगा। उसके बाद बोला सी ई से कितनी दूरी पर है, अब पूछ रहा लास्ट में आपसे कि सी जो है ई से कितनी दूरी पर है, मतलब ये आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये आपका 5 है, ये आपका कितना है, 12 है, ठीक है, ये आपका 5 है और ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 है, और ये आपसे पूछ रहा है, तो ईसी पूछ रहा है ना, ईसी का स्क्वायर होगा इक्वल टू ईडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर मतलब 7 प्लस 5 दोनों, तो ईडी क्या है आपका भैया, 5 का स्क्वायर है और डीसी क्या है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा, इसे ऊपर कर ले, 5 4 9 4 2 6 169 आ जाएगा, किसका, इसी का स्क्वायर, तो इसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169, तो 169 किसका होता है भाई, 13 का होता है ना,
13 क्या होता है स्क्वायर, तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा 13 मीटर वाला, और बाकी तो कोई है ही नहीं 13 का, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डायरेक्शन किसके सापेक्ष में पूछा है, सी का ई के रिस्पेक्ट में पूछा है, जो सी है ई जो है सी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। देखो सी पे जब डायरेक्शन बना लोगे तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा आपका नॉर्थ वेस्ट में है, तो देख लो उत्तर पश्चिम होगा इसका आंसर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला राधा शिल्पा के उत्तर में 2 मीटर की दूरी पर है, शिल्पा पिंकी के उत्तर दिशा में 2 मीटर की दूरी पर है, डॉली राधा के दक्षिण पूर्व दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है, आंशु राधा की दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है, अंशु और डाली के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, और अंशु डाली किस दिशा में है, जो है अंशु है वो डॉली के किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। राधा शिल्पा के लो आर से राधा शिल्पा के उत्तर में है 2 मीटर, तो यहाँ हो गए शिल्पा 2 मीटर उत्तर में है, उसके बाद पिंकी जो है किसके शिल्पा जो है पिंकी के उत्तर में दो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर पे है, 2 मीटर पे है शिल्पा जो है पिंकी के, ये लो पिंकी हम बना दिए 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, उसके उत्तर में है शिल्पी। उसके बाद से क्या बोला डॉली जो है राधा के दक्षिण पूर्व में है, कौन डॉली, डॉली राधा के दक्षिण पूर्व में, यहां से इनका दक्षिण पूर्व देख लें तो दक्षिण पूर्व का होगा इस डायरेक्शन में होगा, कौन होगा डॉली होगी कितने 5 मीटर पे, ये लो डॉली हो गई। अंशु राधा के दक्षिण पश्चिम में, अंशु जो है राधा के दक्षिण पश्चिम में 5 मीटर की है, जो इतना डिस्टेंस जो ये होगा वही डिस्टेंस यहां होगा, अंशु ए एन से डाल डिनोट कर देते हैं इसको। अब पूछ रहा है अंश आपसे कि अंशु और डॉली के बीच न्यूनतम दूरी, इनके और इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक है ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो देखो ये 45 डिग्री पे होगा और ये 45 डिग्री पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये आपका 5 है ये 5 है, आपको ये पता करना है तो इसका क्या होगा, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि भाई जब ये है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब इसे करते हो तो क्या होता है आपका 2 आपका अंडर रूट ए अंडर रूट 2 होता है, तो वही 5 आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 होगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगा। अब बोलोगे सर यहां तो दिया ही नहीं है 5 अंडर रूट 2 ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो अगर देखो क्योंकि क्या होता है मैथमेटिकली तो आपका यही होगा, मगर कभी कभी अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिला, ठीक है ऑप्शन में नहीं मिला तो कहीं कहीं आपका सेम आपको क्या करना होता है कि आपको आइडियल कंडीशन मान लेना होता है। आइडियल कंडीशन इस तरह मानना होता है कि मान लो ये राधा है, ये आपका शिल्पी है, ये आपके पिंकी है, ये 2 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, ठीक है, और यहां से जो है ये डायरेक्शन आप 5 मीटर मान लो, यहां पे कौन है अंशु है, और यहां पे मान लो ये कौन है आपका डॉली है, ये 5 मीटर पे, ठीक, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक ये आपसे पूछ रहा है, तो देखो ये तो पूरा आपका क्या होगा 90, ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा यहां से भी करोगे तो, क्योंकि इसने जो ऑप्शन सेट किया गया है वो ऐसा किया गया है कि आपको यहां से ट्रिपलेट पे इसने बना दिया है कि अगर ये 4 हो गया ये 5 हो गया तो ये 3 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके क्या है पूरी 4 है, ये इस पे 90 डिग्री बता रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक, तो यह 90 डिग्री होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 5 है और ये आपका 2 और 2 4 है तो ये 3 होगा, वैसे ही यहां पे भी 5 है ये 4 है तो ये 3 होगा, तो 6 आएगा आंसर, मगर एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका मैथमेटिकल टर्म से चलोगे तो 5 अंडर रूट 2 ही होगा, ठीक, तो यहां पे जो है ऑप्शन जो है क्या होगा ये 6 मीटर ना मानना, यहां पे 5 अंडर रूट 2 अगर आता है किसी एग्जाम में हो सकते हैं या उसने जो भी लिया वो क्या सोच के लिए, वो आपका पूरा आइडियल कंडीशन है कि जो ये 5 है वो यहां आ रहा है, वो 5 कहीं भी तो पूरा हो सकता है, ठीक है
इसलिए आंसर में वेरिएशन हो जाता है। जो मैंने जैकपॉट प्रीवियस वाला दिया था उसमें भी ऐसे कुछ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जहां आपको ना दिखे ऐसा कुछ कि आपका जो आंसर आ रहा है कि आपने मिनिमम डिस्टेंस निकाला क्या इनके बीच का 5√2, और ये जो पूछा है कि अंशु जो है डॉली के किस दिशा में है, तो डॉली से तो दिशा तो हम पता कर लेंगे पश्चिम में है, ठीक है, मगर 5√2 कहीं नहीं है इस ऑप्शन में। तो आपको सोचना हो सकता है आइडियल कंडीशन ले लिया। आइडियल कंडीशन क्या लिया इसने कि ये जो 5 आया यहां आया, ये 4 हुआ जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 5 है ये 4 है, तो ये क्या होगा 3 ट्रिपलेट, क्योंकि 4, 3 और 5 तभी तो होगा, उसी हिसाब से ये 4 तो ये 3 तो ये 5 होगा, तो उसी को 3+3 जोड़ दिया तो 6 कर दिया। ये इस कंडीशन को मान के इसने ऑप्शन सेट किया था, ठीक। तो एक बार देख लेना जब भी, मगर मैथमेटिकली जो सही होगा वो इसका आंसर यही सही होगा, 5√2 ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे विवादित क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिलेंगे जहां आपको आइडियल कंडीशन लगा के उसके आंसर निकालने होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है रवि पी बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वो दाहिने मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर रुक जाता है। आंसर कमेंट कर दो क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा है, रवि पी बिंदु से चलना शुरू करता है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। चलो यहां से पी से चला उत्तर दिशा में, कितना चला 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ता है 18 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है अठारह चला फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। ये लो यहां पहुंच गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो कि बिंदु P और Q के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। ये P हो गया, यहां Q पे पहुंचा तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो भैया ये कितना है 10 और इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है 6, तो यही तो टोटल डिस्टेंस होगा, तो कितना होगा 16। तो आंसर क्या होगा इसका 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका जो है आज का जैकपॉट क्वेश्चन है। इस जैकपॉट क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु P बिंदु Q के दक्षिण में 6 मीटर की दूरी पर है। सिंपल सा है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर देना है। बिंदु R बिंदु P के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, S जो है बिंदु R के दक्षिण में 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, बिंदु T S के पूर्व में 5 मीटर दूरी पर है, बिंदु U बिंदु T के दक्षिण में 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपसे पूछा है S U के किस दिशा में है, ठीक है, सिंपल सा है, आप लोग आंसर कमेंट कर देना इसका। ये आज के लिए आपका जैकपॉट है। अब हम देख लेते हैं जो प्रीवियस आपका क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें भी आपको कुछ आइडियल मांग के ही करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, या हो सकता है आपको ऐसे एग्जाम में भी मिल जाए कि आपको आइडियल ही कंडीशन लगाना पड़े। चलो देख लेते हैं क्या है। रहीम अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल से 300 मीटर की यात्रा करता है, ठीक है, वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। मतलब जब जाता है वो अपने घर से, सपोज करो ये डायरेक्शन मैंने बना दिया है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इस पॉइंट से उसने शुरू किया, दक्षिण पश्चिम में कितना चला 300 मीटर चला, ठीक है, 300 मीटर अपने घर से वो निकल चला। यहां पे उसका घर का पोजिशन है। उसके बाद वो 135 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ता है। यहां से 135 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा तो भैया बताओ कहां मुड़ेगा, ये इसके जाने वाले डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 135 डिग्री क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है ना, किधर मुड़ रहा है, बाई तरफ मुड़ रहा है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब यहां से ये मुड़ेगा तो ये तो पूरा आपका 45 होगा और 90, ये तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 135 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस दिशा में जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा उसके जाने की, ठीक। यहां से आया और यहां से 135 डिग्री मुड़ा तो इस ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। जाने पर कितना चला है 100 मीटर चला है,
चलो 100 मीटर में मान लेता हूं। अब मैं कैसे जानूंगा कि ये 100 मीटर यहां पूरा होगा या बीच में ही पूरा होगा या आगे चल के पूरा होगा? भाई अगर हमें आंसर एग्जैक्ट बताना है इसका मैथमेटिकली, तो आपको कैसे पता कि ये 100 कहां पूरा होगा? उसके लिए जान लो ये 45 होगा, ये आपका 45 होगा। अगर मैं इसे मानूं कि ये 100 है, ये 100 कहां पूरा हो, यहां पूरा हो, और ये यहां से 90 पे मिल जाए, मैं मान लिया कि ये यहां से जो यहां की जो डिस्टेंस है वो 100 होगा, तो क्या देखें सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा होगा? ठीक, तो ऐसा होने के लिए अगर मैं ये 45 डिग्री माना हूं तो मैं इसमें क्या लगा दूं? इसका बेस निकालने के लिए मुझे एंगल पता है, तो मैं अगर cos 45 लगा दूं तो क्या होता भैया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है इसका। तो बेस हमें पता नहीं है, मान के चले x, देखें क्या 100 आता है क्या बेस? तो 100 देखें, अगर 100 आए तो समझ लेना ये पॉइंट ही जाके मिल रहा है, और ये 90 डिग्री पे, ये जो दिशा है यहां से उसके 90 डिग्री पे ही होगा। ठीक, देख लेते हैं क्या आता है, ये कितना है 300 है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। ठीक है, तो अब यहां से देख लेते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी 3√2, x की वैल्यू बेस की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पे उसने बोला 100 मीटर चलता है, तो यहां तो कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई, देख लेते हैं क्या होगा। इसको हम क्या और लिख सकते हैं, 300 दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहां √2 है, ये √2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 300√2, और यह हो जाएगा 2, तो यहां से इसे कैंसिल कर दोगे तो 150 हो जाएगा, तो 150√2 होना चाहिए डिस्टेंस, जो x की डिस्टेंस मैंने माना, मैंने इसको x मान लिया था कि हम देखें बेस क्या हमारा 100 आ रहा है क्या, 45 डिग्री हम मान के चले, जो मानते हैं ना 45 डिग्री पे से घुमाए, तो यहां पे जब हम x निकाले तो हमारा x आ गया कितना भाई, 150√2 आ गया। तो 150√2 होना चाहिए, तब जाके वो जो है ये यहां पे आएगा, तब इसकी जो डायरेक्शन होगी हम कहेंगे कि यहां से उसका घर जो है किधर है, उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर ये डिस्टेंस कितना होता, ये 100 ना होके 150√2 होता, तो तब कहते हम ये कि इसका आंसर क्या होगा कि यहां से वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका घर है। मगर यहां आपको दिया कितना है, उसने चला कितना था, सिर्फ 100 मीटर, तो 100 मीटर चला भैया, तो हमारे हिसाब से ये पूरा यहां का जो डिस्टेंस होगा वो 150√2 होगा, तो 100 कहीं इधर ही लाई कर जाएगा पहले ही। ठीक है, तो 100 आपका कहां लाई कर जाएगा, वो पहले ही लाई कर जाएगा, जैसे ये है मैंने बनाया। ठीक, तो ये यहां तक जाने के लिए 150√2 होना चाहिए, मगर ये कहीं आपका ये डायरेक्शन जो है, ये 100 जो है यही लाई कर जाएगा। जब यहां लाई कर जाएगा 100 का डिस्टेंस, तो बच्चा क्या होगा, ये यहां से डायरेक्शन आपसे पूछा है, यहां से डायरेक्शन जब पूछा है तो यहां डायरेक्शन बना लोगे तो ये डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका ये डायरेक्शन पड़ेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो अब जो है जहां उसका पोजिशन होगा, मतलब यहां 100 जो है इसका यहां ना पूरा हो रहा है, कहीं यहां पूरा हो रहा है, तो यहां से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहां जब डायरेक्शन बना लोगे नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, तो यहां आपके ऑप्शन में कहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया है, सभी जो मेन डायरेक्शन दिया है, तो ये भी किस पे लगा दिया है, इसने आइडियल केस पे लगा दिया। आइडियल केस का मतलब मैं ये बता दूं आपको कि उसने क्या मान लिया कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया कि ये 300 मीटर आपके दक्षिण पश्चिम में जाता है 300 मीटर, उसके बाद से 135 डिग्री बाएं घूमता है, 135 डिग्री बाएं घूमता है, मतलब यहां से 135 डिग्री इस डायरेक्शन से घूमेगा, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो चलता है ना 100, वो उसको कह दिया कि ये 100 मीटर यहां से जो चला यहां तक ये 100 है। ठीक है, तभी वो यहां एग्जैक्ट पहुंचेगा, और यहां से उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ओ सॉरी, आपका उत्तर हो जाएगा, कि मतलब यहां से जब वो पहुंचा तो उसका घर जो यहां होम था, तो यहां से उसका होम क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन मान लिया कि जो 100 जो है पूरा यहां कवर कर रहा है, मगर मैथमेटिकली चले हम तो जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 150√2, मगर दिया कितना है 100, इसका मतलब तभी जाके यहां 90 डिग्री पे आएगा, अगर 100 है तो इसका मतलब वो कहीं बीच पे आएगा, तो जब बीच पे आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कहीं कहीं क्या होता है डिस्टेंस डायरेक्शन में आपका, मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसे
एक बार आप लोग आइडियल कंडीशन लेके सोचना। जैसे आइडियल कंडीशन क्या कि आपने रफ डायग्राम्स खोचा, ये 300 इधर गया, 100 इधर गया, मतलब ये सामने आमने सामने ही पढ़ेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ हो गई, रफ खींच लिया तो। मगर मैथमेटिकली जब इसे ड्रा करोगे तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, कई कंडीशन आ जाएंगे। अगर और भी मैथमेटिकली जाओगे 45 नहीं मान के और नीचे से खींचोगे तो ये आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए कि इसमें हमेशा ऑप्शन को देख लेना कि ऑप्शन कैसे है, उस अंदाज पे जो क्वेश्चन को करना। तो ये आपके आज का सेशन रहा। तो ये आज डिस्टेंस डायरेक्शन आपका कंप्लीट होता है। जितने आपको क्वेश्चन मिले, जो जो ऐसा लगा कि विवादित हो सकता है आपके सामने, मैंने रख दिया उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ कि कैसे विवादित क्वेश्चन आपके सामने उठ सकते हैं, ठीक। और ऑप्शन से ही उसे करना पड़ेगा कि आप ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन कैसा दिया है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि जनरल पे दिया है आपका या मैथमेटिकली गया है कहीं ना कहीं, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। तो अब हम अगले सेशन में नया आपका चैप्टर शुरू करेंगे, कोई नया, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।